क्या आपको पता है कि ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के होने के बावजूद भी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को क्यों बनाया गया है? ओल्ड संसद भवन का शेप राउंड, न्यू संसद भवन का शेप ट्रायंगुलर। ओल्ड वाले पार्लियामेंट बिल्डिंग का एरिया 24,000 square meters, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का एरिया 64,500 square meters। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर लोकसभा के सीट्स 543, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में लोकसभा के सीट्स 888, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में राज्यसभा के सीट्स 245, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में राज्यसभा के सीट्स 384। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन डेट 18 जनवरी 1927, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन डेट 28 मई 2023। और ये आप दोनों का मैप देख सकते हो, दोनों का कंपैरिजन आपके स्क्रीन पे है। पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी होने के चलते उसमें कई इश्यूज थे, अर्थक्वेक के मामले में आउटडेटेड, फायर सेफ्टी के मामले में भी आउटडेटेड, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जैसे सीसीटीवी, ऑडियो विजुअल सिस्टम, एयर कंडीशन, इन सब के मामले में भी आउटडेटेड, डिजिटलाइजेशन के मामले में भी आउटडेटेड, यानी मोस्टली काम फिजिकल पेपर्स पे ही होते हैं, और वर्क स्पेस के मामले में भी आउटडेटेड, जिससे पार्लियामेंट का काम इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा था। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का शेप ट्रायंगल है और ट्रायंगल को ज्योमेट्री में सैक्रेड यानी शुद्ध माना जाता है। सिर्फ इसलिए इसको ट्रायंगल नहीं बनाया गया है, बल्कि ट्रायंगुलर शेप में होने से सिर्फ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस ही नहीं होता, बल्कि ये एक पावरफुल कंट्री का वाइब भी देता है। पार्लियामेंट को देश का एक मंदिर माना जाता है, देश का मंदिर जहां लोगों के हित के सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजंस को लिया जाता है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में वो सब है जो एक देश के सबसे बड़े और सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग में होनी चाहिए। पार्लियामेंट में जो वोटिंग सिस्टम है वो अब कम्प्लीटली बायोमेट्रिक होगी, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन का भी फीचर मौजूद है, यानी कोई भी MP 22 अलग अलग भाषा में अपनी बात को रख सकेगा और वो भाषा रियल टाइम में बाकी MPs को हिंदी में या फिर उनके अपने समझने वाले भाषा में सुनाई देगी AI के थ्रू, यानी बाद में ट्रांसलेशन होने की बात नहीं हो रही है। जैसे कोई MP बोलेगा, रियल टाइम में AI उसको ट्रांसलेट कर देगा। और नए पार्लियामेंट में डिजिटल वर्ल्ड को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, सारे कामों को पेपरलेस बनाने के लिए। सारे पेपर्स अब कंप्यूटर्स और टैबलेट्स में PDF फॉर्म में ही दिखाए जाएंगे, जो कि डिजिटल इंडिया के तरफ और एक कदम है। ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ टेक्नोलॉजी से भी बनाया गया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में कंटिन्यूअसली ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि पूरे भारत के मैप में जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है, जिसे NCR माना जाता है, जो कि देश का छवि है एक तरह से, जो ये नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एरिया है 3 किलोमीटर का, यानी राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक, इस एरिया को पूरी तरह से रीडेवलप करने की प्लानिंग की गई थी साल 2019 में, जिसमें से न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन चुका है। न्यू ऑफिसेज भी बनने हैं प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट के लिए, और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज को एक नया शेप मिलने वाला है, जिससे कि इंडिया की जो पूरी इमेज है वर्ल्ड में वो किसी भी और कंट्री से कम ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लुक्स के मामले में भी। इस सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को 20,000 करोड़ रुपए का एस्टिमेट अलॉट किया गया था, और जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात करें तो आप सोच ही सकते हो कि वो 100 साल पुराना बिल्डिंग था, जो कि आजकल के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को सूट नहीं करता, जैसे AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और नॉर्मल बेसिक सेफ्टी की चीजें जैसे इमरजेंसी फायर सेफ्टी के मामले में भी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग सारे सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रहा था, और ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग ओवर यूटिलाइज हो रही थी अपने कैपेसिटी से ज्यादा। 100 साल पहले बनी और वक्त के साथ काम
और लोग बढ़ते गए उस ऑफिस में, लेकिन बिल्डिंग वही पुरानी। तो यही डिफरेंसेस थे द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग और हमारे ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के बीच में, और यही रीजन था कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशनल फैक्ट के तरफ। क्या आपको पता है कि नॉर्वे में एक चीज स्लाइसर निकला था 1925 में, चीज को ऐसे काटने वाला, और ये वर्ल्ड के सबसे हेटेड प्रोडक्ट्स में से एक है। आप लिटरली ये मानो कि इससे ज्यादा कोई प्रोडक्ट हेटेड नहीं है। और जब ये रिलीज हुआ तो ये इतना यूजलेस लगा लोगों को कि पूरे देश में कई जगह पर स्पेशल गार्बेज बिन्स को लोगों ने इंस्टॉल किया और उसपे लिखा थ्रो योर चीज स्लाइसर हियर, अपने चीज स्लाइसर को स्पेशली यहीं पर फेंकना, इतना हेटेड। क्या आपको पता है कि अगर आपके एरिया में बारिश होने वाली है तो उसे सुपर कंप्यूटर डिटेक्ट करे या ना करे, लेकिन 150 मील दूर से भी एलिफेंट्स जो हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में आप कई साइंटिफिक आर्टिकल्स को देख सकते हो। जो ईयर होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, ये तो आपने नोटिस किया ही होगा कि बाकी ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में इसका जो कान होता है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। तो जो एलिफेंट्स का ईयर कैनल्स होता है यानी उनके अंदर कान का सिस्टम, उनसे वो एक्चुअली में ऐसे कई साउंड्स को सुन सकते हैं जो कि हम ह्यूमंस कभी भी डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, बारिश, क्लाउड, ऐसी चीजों को जस्ट आवाज से पता कर लेते हैं 150-200 किलोमीटर दूर से भी। एक चीज, एक फेनोमेनन होती है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसे कहते हैं हाईवे हिप्नोसिस। और सच कहूँ तो मैंने भी इसे फील किया है। हाईवे हिप्नोसिस एक अजीब सी चीज होती है जिसमें एक कार जो है वो मान लो हाईवे में चल रही है और आप कहीं जा रहे हो, जैसे मान लो मेरी फैमिली कहीं जा रही है और मैं ड्राइव कर रहा हूँ, और मैं रात 11 बजे से 4 बजे तक ड्राइव करता गया एक्सप्रेसवे पे और डेस्टिनेशन पहुंच गया। तो लगातार 3-4 घंटे ड्राइविंग ऐसा लोग करते हैं, नॉर्मल सी बात है। लेकिन गाड़ी चलाते चलाते, ये आप भविष्य में शायद कभी एक्सपीरियंस करो अगर आप कभी अपना कार परचेज किया और चलाओ तो, कि ड्राइव करते टाइम इंसान एक अजब ही ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट में चला जाता है। जैसे जो हाईवे में ये जो दो लाइंस बने होते हैं इसके बीच गाड़ी चल रही होती है और घंटों चल रही होती है, और सेम चीज हमें बार बार देखने मिलता है, तो डेस्टिनेशन आ जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। जब किसी कार या किसी भी ऑटोमोबाइल को कुछ ज्यादा ही दूर तक ले जाया जाता है तब जनरली ड्राइवर्स या लोग इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसा बहुत रेयरली होता है, लेकिन जब ये हिप्नोसिस होता है तो इंसान को पता भी नहीं लगता। मान लो किसी एक्सीडेंट में किसी इंसान का दोनों हाथ कट जाए, वो इंसान बच जाता है लेकिन दोनों हाथ चले जाते हैं, तो नया हाथ तो आ नहीं सकता। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी चीज हो चुकी है जिस पर आप यकीन नहीं करोगे। फेलिक्स ग्रेटरसन आइसलैंड के ये रहने वाले हैं, और जब इन्होंने अपने एक वर्क एक्सीडेंट में दोनों हाथों को खोया तब डॉक्टर्स ने इनके ऊपर एक ऐसा काम किया जो कि पूरे धरती के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है। दोनों हाथ का ट्रांसप्लांट, जो कि वन ऑफ इट्स फर्स्ट काइंड था पूरे दुनिया में, ये इनके साथ हुआ। और सबसे बेस्ट बात ये है कि ये ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल भी हुआ, यानी वो अब अपने हाथों को नॉर्मली यूज कर भी पाते हैं। ऐसा सबके साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई डॉक्टर इस चीज को ट्राई करे तो फेलियर रेट्स, सक्सेस रेट मैंने नहीं कहा, फेलियर रेट्स 90% होता है, लेकिन इनके केस में हाथ काम करने लगा। तो मेडिकल साइंस की एक बहुत बड़ी सक्सेस को ये चीज दिखाती है, लेकिन ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है फिलहाल जिससे ये सब इंसानों में किया जा सके और सबका हाथ वापस लाया जा सके, ऐसा तो फिलहाल नहीं हुआ है। लेकिन एक इंसान में भी ऐसा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। इस चीज को ध्यान से समझना कि एक एवरेज इंसान के जितने भी सर्वेज हुए हैं उसमें ये पता चला है कि नॉर्मली एक इंसान का 8 से 9 क्लोज फ्रेंड होता है। फ्रेंड होते हैं 20 से 30, उसमें से क्लोज 8 से 9 होता है, और उसमें से 3 से 4 के साथ बॉन्डिंग होता है यानी रेगुलर बातचीत, और बेस्ट फ्रेंड तो ऑफकोर्स एक ही होता है। लेकिन बात यह है कि इस अर्थ पे ऑलमोस्ट 8 बिलियन लोग हैं, 800 करोड़ लोग, लेकिन 10 से भी ज्यादा लोगों से एक डीप बॉन्डिंग एक सिंगल इंसान नहीं कर पाता है ठीक से। तो ये हमारे सोसाइटी के एक बहुत ही अजीब सी चीज को दिखाता है कि इतने करोड़ों लोग होने के बावजूद भी एक इंसान के 10 क्लोज फ्रेंड भी आजकल के टाइम पे नहीं होते, उतने के लिए भी लोग स्ट्रगल करते हैं। लेकिन मैं अपने आप को लकी मानता हूँ, क्योंकि आप लोगों में से जितने लोग उस सब्सक्राइब बटन को दबाए हो मेरे वीडियोस को देख के, यानी आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो, तो मैं तो 1.5 करोड़ लोगों को अपना फ्रेंड मानता हूँ। तो ये थे आज के फैक्ट्स।
वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना। और स्क्रीन पे आपके सामने और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जिन्हें आप देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।